सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाइंड है या कच्ची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो लगभग पिछले 23 सालों से एक कत्ल में उम्र कैद की सजा में पैरोल में बाहर आने के बाद से फरार था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रमेश उर्फ दिनेश उत्तम तायरे, जो गुजरात के बड़ोदरा कारागृह से 1999 से फरार है, 1995 में दिनेश को उसके पत्नी के कत्ल करने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसके लिए वह उम्र कैद की सजा बड़ोदरा के कारागृह में काट रहा था। 1999 में पैरोल पर छुट्टी मिलने के बाद से लगभग पिछले 23 सालों से यह फरार था। उल्लासनगर क्राइम ब्रांच के यूनिट 4 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल मांगले और उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि दिनेश उत्तम तायरे, जो यादवचाल आनंद बुद्ध विहार भरतनगर कांसाई रोड उल्लासनगर 4 में रह रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल मांगले, उप निरीक्षक किशोर महाशब्दे, पुलिस हवलदार मधुकर माली, नवनाथ कोरड़े, अर्जुन मुतलगिरी, मंगेश वीर, इस पूरी टीम की तरफ से उसे पकड़ लिया गया है और अब इस आरोपी को गुजरात पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। गुजरात के लिंबायत पुलिस स्टेशन में रमेश उत्तमराव तायडे, ये जो आरोपी है, उसके खिलाफ उसकी पत्नी के हत्या का मामला दर्ज हो गया था 1995 में। और उधर उसको जो स्थानिक कोर्ट है, उन्होंने उसको जन्मठेप की सज़ा दी थी। वो सज़ा वो बड़ौदा जेल में भुगत रहा था और 1999 में वो छुट्टी पे आया था। वहाँ 1999 से अभी तक वो फरार था। तो हमने उसने उल्लासनगर कैंप 4 यादव नगर से उसका ताबा लिया है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए गुजरात पुलिस के तरफ हम उसको सुपुर्द करने वाले हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।